सब्सक्राइब कीजिए साहिल जैन बीना मार्बल चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट मार्बल की वीडियो देखने के लिए। बीना मार्बल, रूपणगढ़, अजमेर। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्बल एंड इटालियन मार्बल। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या डिफरेंस है, वो आज आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, इन दोनों के पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज़ समझाई जाएगी, तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं साहिल जैन, स्वागत आप सभी का साहिल जैन बिना मार्बल में। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है मैं आपको बताने वाला हूँ। चार इन दोनों के बीच कॉमन चीज़ है। सबसे पहली है कि बोथ आर नेचुरल स्टोन। ये दोनों ही स्टोन नेचुरल है, मतलब ये दोनों ही बनाए हुए स्टोन नहीं है, ज़मीन से ही, माइन से ही निकलते हैं। अब सेकंड पॉइंट है इसका कि दोनों का प्रोसेस सेम है। दोनों का प्रोसेस सेम, मतलब माइन से निकलना, ब्लॉक निकाल के कटिंग तक जाना, उनका कटिंग होना, दोनों का सेम प्रोसीजर है। वो भी ब्लॉक ही निकलता है, इसका भी ब्लॉक ही आता है, और दोनों कटिंग, वो भी कटिंग होता है, ये भी कटिंग होता है। दो पॉइंट तो कॉमन हो चुके हैं। अब तीसरा कॉमन है कि बोथ आर मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस का मतलब है कि इनको आप फ्लोरिंग में भी यूज़ कर सकते हो, एलिवेशन में यूज़ कर सकते हो, डिजाइनिंग में यूज़ कर सकते हो, काउंटर पे यूज़ कर सकते हो, इनको सारी जगह यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपल यूज़ के लिए बनाए। और फोर्थ पॉइंट है कि बोथ हैव सेम जीएसटी रेट। इन दोनों का जीएसटी परसेंटेज सेम है, दोनों पे 18% जीएसटी लगता है। ये इन दोनों की ये चार कॉमन चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब जो इनका मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिर मैं बोल देता हूँ वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। अब इन दोनों के बीच में इंडियन मार्बल एंड इटालियन मार्बल, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस बताने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बड़ा, जो इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है वो आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, उसमें स्टेप बाय स्टेप अपन क्या क्या डिफरेंस है वो चलेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इटालियन मार्बल जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इटालियन मार्बल कम्प्लीटली क्रैक आता है, और मकराना मार्बल या इंडियन मार्बल वो एकदम फ्रेश आता है। फ्रेश का मतलब कि माइन से वो भी कभी कभी क्रैक निकलता है, बट वो क्रैक माल को कट पीस बना के हम लोग सेल कर देते हैं, उसको फिलिंग करके सेल नहीं करते। बट इटालियन मार्बल तो आता ही पूरा क्रेक है, पूरा फिलिंग है। सबसे पहले मैं आपको इटालियन मार्बल का एक सैम्पल दिखा देता हूँ कि वो, अब ये पीस देख सकते हो, मैं सबसे पहले आपको दूर से दिखा देता हूँ। अब मैं आपको यही पीस सबसे पास से दिखाता हूँ। इस पीस में आप देख सकते हो कि ये देखो, ये क्रेक है, 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 मतलब इतना सा पीस भी फ्रेश नहीं है इसमें। एक बाई एक का पीस तो बहुत बड़ी बात हो गई, इतना सा पीस भी फ्रेश नहीं है, ये पूरा कंप्लीट क्रेक है। अब आप लोग सोचोगे कि यार एक पीस तो क्रेक कोई भी उठा जाता है, कल को टूट भी गया होगा, उठा लिया होगा। मेरे बैक स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि इटालियन मार्बल नीचे फर्श के ऊपर बिछा हुआ है, और उसके ऊपर मशीन से जो फिलिंग होता है ना, जिसको अपन केमिकल डालते हैं, उस केमिकल को कैसे गायब कर रहे हो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखो, मतलब आपको पता लगेगा कि वो मशीन चलाने से पहले तो आपको पूरा केमिकल भरा हुआ दिखेगा, और जैसे जैसे मशीन चलेगी वो पूरा एकदम क्लीन होता जाएगा। वो केमिकल भरते हैं उसमें, वो इसलिए क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्रैक आता है। बिना फिलिंग तो इटालियन मार्बल संभव ही नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताने से पहले ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसीलिए बता रहा हूँ, फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको आगे से आगे मैं समझाऊंगा। ये देख लिया आपने इटालियन मार्बल, अब मैं दिखाता हूँ आपको इंडियन मार्बल। यह है इंडियन मार्बल। इंडियन मार्बल में कलर बहुत आते हैं, यह आगे भी टॉपिक आएगा, अपन उस पर बात करेंगे। ये इंडियन मार्बल है, ये तो है विदाउट पॉलिश। अब मैं इसी का आपको पॉलिश दिखाता हूँ, ये पॉलिश किया हुआ है, कहीं भी आपको क्रैक नज़र नहीं आएगा, कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ना तो छिल्लट वगैरह कुछ भी। इटालियन मार्बल और इंडियन मार्बल में यही बड़ा डिफरेंस है कि इंडियन मार्बल इटालियन मार्बल के कंपेयर में बेस्ट है। लगाते दोनों चीज़ है, बट ये बेस्ट है। अब आपको आगे अपन डिफरेंस क्या क्या है, अपन पॉइंट टू पॉइंट आगे अब चलते हैं। अब अपन डिफरेंस क्या क्या है अपन वो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है सोर्स। सोर्स का मतलब है इटालियन मार्बल
इटली से निकलता है, नॉर्थन इटली, और इंडियन मार्बल राजस्थान में निकलता है, गुजरात में निकलता है, एमपी जो मध्य प्रदेश होता है उसमें निकलता है, और आंध्र प्रदेश में निकलता है। इंडियन मार्बल इन चारों जगह निकलता है। अब सेकंड पॉइंट है लश्चर। लश्चर मतलब उसमें कंटेंट की बात है, कैल्शियम की बात है, गुणवत्ता की बात है। जो इटालियन मार्बल में 90% से लेके 95% तक उसमें कैल्शियम आता है, और इंडियन मार्बल में स्पेशल मकराना मार्बल, उसमें आपको 90% से लेके 99% तक कैल्शियम आता है। कैल्शियम दोनों में आता है, बट कंपेयर टू इटालियन, इंडियन में ज़्यादा आता है। अब थर्ड पॉइंट है कलर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इटालियन मार्बल में आपको वाइट कलर मिलेगा, ग्रे मिलेगा, ब्लैक मिलेगा और रोज़ मिलेगा। और बात रही इंडियन मार्बल की, तो इंडियन मार्बल में आपको वाइट मिलेगा, क्रीम मिलेगा, ग्रे मिलेगा, येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, बहुत से स्टोन है। इंडियन मार्बल में भी बहुत सी वेराइटी आती है, बहुत से स्टोन। अब इसमें फोर्थ पॉइंट है सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो इटालियन मार्बल वेरी सॉफ्ट, एक सॉफ्ट अलग होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इंडियन मार्बल इटालियन मार्बल के कंपेयर में सॉफ्ट कम है। और फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं थिकनेस। तो इटालियन मार्बल में 18 से 20 एमएम आपको थिकनेस मिलेगा, और इंडियन मार्बल में आपको थिकनेस की बहुत वेराइटी मिल जाएगी, 14 एमएम, 15 एमएम, 18 एमएम, 20 एमएम, 25 एमएम, 30 एमएम तक इंडियन मार्बल मिल जाता है। इटालियन मार्बल 18-20 एमएम से ऊपर कटिंग नहीं होता, क्योंकि वो पूरा क्रेक आता है। अब सिक्स पॉइंट है पॉलिशिंग। तो इटालियन मार्बल की बात करते हैं तो आपको वन साइड पॉलिश मिलेगा, और इंडियन मार्बल आपको पॉलिश भी मिलेगा और अनपॉलिश भी मिलेगा। इटालियन मार्बल का वन साइड पॉलिश का कारण है कि वो पूरा नेटिंग किया हुआ, अपोक्सी किया हुआ मार्बल आता है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। और इंडियन मार्बल आपको पॉलिश भी मिल सकता है और विदाउट पॉलिश भी मिल सकता है, जैसा आपको चाहिए मिल जाएगा। अब सेवन पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेइंग एंड फ्लोरिंग। जब फ्लोरिंग का टाइम आता है, जब इटालियन मार्बल या इंडियन मार्बल आप जो भी परचेस करते हो वो लगाने का टाइम आता है, तो आप एक चीज़ नोट करना, मार्केट में आप जब इटालियन मार्बल परचेस करने जाते हो तो आपको इटालियन मार्बल आगे से पूरा अपोक्सी किया हुआ और पीछे से पूरा नेटिंग किया हुआ मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं जिन्होंने नहीं देखा, तो वो लोग सोचेंगे कि यार वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि ये सैंपल है, ये तो है इसकी अपोक्सी, ये अपोक्सी यहाँ से उतारी हुई है, ये जो क्रैक होता है इनको छिपाने के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए अपोक्सी की जाती है, और ये है इसकी नेटिंग। अब इन दोनों चीज़ को मेरे बैक स्क्रीन पे आप अच्छे से देखते जाना कि सबसे पहले तो मैं आपको एक पीस दिखा देता हूँ जो तीन से चार आदमी उस पीस को आपके सामने उठा दें और उसको थोड़ा सा झुका के आपको सबसे पहले अपोक्सी दिखा दें, जो ऐसी ही वो अपोक्सी आपको उस वीडियो में मिलेगी जो पूरे पीस पे हुई हुई है। और बात रही नेटिंग की, तो नेटिंग भी मैंने आपको वीडियो में पीछे दिख जाएगा कि ये नेटिंग किया हुआ रहता है। ये नेटिंग क्यों होती है ये आपको पता है? नेटिंग जब मार्बल रेडी होता है तब नहीं होती है, मतलब रेडी होने के बाद। ये नेटिंग होती है जब वहाँ से इटली से अगर ब्लॉक आता है, इटालियन से अगर इटालियन मार्बल का ब्लॉक आता है, ब्लॉक में भी इतने बड़े बड़े क्रैक आते हैं कि जब उसको कटिंग करना पड़ता है तो पूरे चारों तरफ इसको नेटिंग करनी पड़ती है, ब्लॉक के चारों तरफ। जब जैसे जैसे वो कटिंग होता है, आप पीछे भी देख रहे हो कटिंग हो रहा है मेरा मार्बल, कटिंग होने के बाद एक एक पीस पे वापस नेटिंग की जाती है, क्योंकि ये मार्बल हद से ज़्यादा इतना ज़्यादा क्रैक है कि ये बिना सपोर्ट के चल नहीं सकता। मतलब इसको बिना नेटिंग के आप यहाँ से यहाँ भी नहीं लेके जा सकते हो, क्रेजी के टुकड़े होते हैं ना, जैसे पूरा मार्बल बिखर जाएगा। और बात रही, एक मैं दिखाता हूँ इसमें भी ये नेटिंग, मैं आपको ये नेटिंग ये कैसी है मैं आपको ये हटा के भी दिखाता हूँ। ये है इसकी नेटिंग, इसके पीछे, इसके सपोर्ट के पीछे ये डेली मार्बल चलता है। फिटिंग करते समय ये फिटिंग करने तक ये नेटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इटालियन मार्बल में, अगर आर्किटेक्ट बोलते हैं कि घर में इटालियन मार्बल लगाना चाहिए, ये मार्बल लगने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, इसका लुक अच्छा आएगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी अगर बहुत मजबूत है, या फिर अच्छी, जो भी बोलते हैं वो लोग कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, आप मार्केट में कभी भी जाओ और इटालियन मार्बल की शॉप पर जाना, ये इटालियन मार्बल का शुगर बेज है, आप ट्राई कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, यही मार्बल आएगा। ऐसा नहीं है मैं कोई सा भी मार्बल उठा के लाया हूँ। जब आप मार्केट में जाओगे और शॉप पे इटालियन मार्बल देखने जाओगे,
तो कभी एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इटालियन मार्बल आप जिससे ले रहे हो तो उससे एक बार पूछना कि सर आपके घर में कौन सा मार्बल लगा हुआ है, इंडियन लगा हुआ है या इटालियन लगा हुआ है। वो आपका कुछ भी नहीं बोल पाएगा, एकदम सन्नाटा छा जाएगा वहाँ पे, सुन हो जाएगा वो, क्योंकि उसको पता है इसकी ओरिजिनलिटी क्या है। मैं खुद इंडियन मार्बल का काम करता हूँ, मकराना मार्बल का काम करता हूँ, तो मैं खुद घर में मेरे इंडियन मार्बल लगाता हूँ। वो क्यों लगाता हूँ? अगर उसमें माइनस पॉइंट होगा तो मैं भी नहीं लगाऊंगा, उसमें अगर प्लस पॉइंट है तभी तो मैं लगा रहा हूँ। और इंडियन मार्बल ही जो इटालियन मार्बल का काम करते हैं वो लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? वो लोग तो जो बेच रहे हैं वो तो इंडियन लगा रहे हैं, और आप आर्किटेक्ट के दूसरे के कहने पे एक माइंड सेट कर लेते हो कि मुझे घर में इटालियन लगाना है। क्यों इटालियन क्यों? इसका नाम कि इम्पोर्टेड मार्बल है, ये बाहर से आता है, ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत कॉस्टली है तो इसकी रेट भी ज़्यादा, तो अच्छा होगा। अरे कॉस्टली क्यों है भाई, इसमें कस्टम लगती है। वहाँ तो ये फ्री का मार्बल है, वहाँ क्रेक मार्बल है। वो ये लोग मार्बल नहीं लगाते जो इटालियन से जिनकी माइंस है, वो खुद यहाँ से इंडिया से जो माल एक्सपोर्ट होता है वो लोग वो लगाते हैं। और आप लोग वो तो वो लगा रहे हैं, और आप लोग बस आपको भूत सवार हो गया, मुझे इम्पोर्टेंट मार्बल लगाना है, मुझे इम्पोर्टेंट मार्बल लगाना है, मुझे इम्पोर्टेंट मार्बल लगाना है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि लोगों के भ्रम में ना हो, रहना आपको है उनको, तो केवल आर्किटेक्ट लोगों को या दूसरे लोगों को, केवल आपका घर जब वेलकम होना है, घर में इनोग्रेशन होना है, तब तक उनको आपके साथ रहना है कि देखो जो भी आएगा बोलेगा कि चमक रहा है। अरे चमकता तो हर कोई मार्बल है दो दिन के लिए, आगे फ्यूचर में तो रहना आपको ही है ना घर में, आर्किटेक्ट को तो रहना नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि फ्लोरिंग में इटालियन मार्बल के कंपेयर में इंडियन मार्बल बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको लगा सकते हो। कैल्शियम इसमें भी है, कैल्शियम उसमें भी है, बट इसके कंपेयर में थोड़ा इंडियन मार्बल ज़्यादा अच्छा है। अब इसका 8th पॉइंट है, जो 8वां नंबर है, एनवायरमेंटल। ये टॉपिक का नाम इसलिए है क्योंकि इटालियन मार्बल और इंडियन मार्बल दोनों को, इटालियन मार्बल एक ऐसा मार्बल है इसको एनवायरमेंट देख के, जगह देख के लगाना पड़ता है, जहाँ धूप ना हो, जहाँ मतलब गर्मी ना हो, ऐसी गर्म चीज़ ना हो, या कहीं भी जहाँ इटालियन मार्बल लगाए वहाँ कुछ भारी चीज़ ना पड़ी हो, ऐसा सोच के लगाना पड़ता है। क्योंकि इटालियन मार्बल आता है सॉफ्ट, और इटालियन मार्बल आता है क्रैक और केमिकल से भरा हुआ, उसमें एपॉक्सी की भी रहती है। अगर आप गर्म जगह लगाओगे जहाँ हीट मारता है तो वो केमिकल निकल जाएगा। और इंडियन मार्बल को आप कहीं भी लगा सकते हो, उसको एनवायरमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको फ्लोरिंग में जहाँ वेट है, जहाँ मतलब रश ज़्यादा चलता है, आदमी लोग ज़्यादा चलते हैं, कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 9th नंबर का डिफरेंस है, जो नवा डिफरेंस है वो इसमें डिफरेंस वो है वेयर यूज्ड। नवा जो टॉपिक आता है, इटालियन मार्बल को आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, एलिवेशन पे यूज़ कर सकते हो, डिजाइनिंग में यूज़ कर सकते हो, काउंटर पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ वेट नहीं हो, जहाँ कोई वजन वाली चीज़ नहीं हो, जो मैंने लास्ट टॉपिक में बताई थी आपको। इसको ज़्यादा आप हेवी जगह यूज़ नहीं कर सकते हो। और इंडियन मार्बल को आप काउंटर पे, किचन पे, बाथरूम पे, वॉल पे, सब जगह यूज़ कर सकते हो, और इंडियन फ्लोरिंग पे, बाकी इटालियन मार्बल को आप वॉल पे, मतलब बाथरूम पे, किचन पे, यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। अब जो इसमें डिफरेंस है उसका नंबर है 10, 10th नंबर, ये लास्ट डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कॉस्ट, जो हर आदमी के लिए सोचने वाली चीज़ है कॉस्ट। इटालियन मार्बल जो ओरिजिनल इटालियन मार्बल है, कॉपी तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, वो 350 रुपये से लेके ऊपर तक जितना जाओ आपको मिलेगा। और इंडियन मार्बल आपको अच्छी क्वालिटी का, जो अपने घर में एकदम लगने के बाद बहुत अच्छा लगे, वो 80 रुपीज़ से शुरू होकर ऊपर जितना जाओ मिल जाएगा। प्राइस में भी बहुत डिफरेंस है। इटालियन मार्बल महंगा होने का रीज़न है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, और इंडियन मार्बल यहीं से निकलता है। तो इन अगर अपन 10 डिफरेंस को अगर मिलाए, अगर कुछ इटालियन में प्लस पॉइंट है तो कुछ इंडियन में ऐसा कुछ मिला के अगर अपन देखे, तो इंडियन मार्बल इटालियन मार्बल से ज़्यादा अच्छा है। तो घर में मेरा कहने का यही है, लास्ट में मैं ये बोलता हूँ, घर में लगाना है तो इंडियन मार्बल लगाइए, फ्लोरिंग पे लगाइए, बाकी आपको डिजाइनिंग के लिए यूज़ करना है तो इटालियन कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। डिजाइनिंग में जहाँ मतलब ठंडक रहती है, एसी वगैरह चलती है, जहाँ गर्मी ना हो, हीट ना हो, वहाँ आप लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब ये सारे डिफरेंस, सारे कॉमन मैंने आपको बता ही दिए, बट लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो को शेयर करोगे तो ये वीडियो बहुत आगे से आगे तक जाता जाएगा, जैसे मेरा पिछला वीडियो गया था डिफरेंस बिटवीन मार्बल एंड ग्रेनाइट। तो वैसे ही इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। इस वीडियो को मैं यही समाप्त की ओर ले जाता हूँ, जो एंड की ओर ले जाता हूँ, यही लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, सभी व्यूअर्स को, सभी कस्टमर को बहुत बहुत धन्यवाद।
Bina Marble Industries, exclusive showroom of Makrana Marble at Kishangarh Road, Rupangarh, Ajmer.